चौथा चैप्टर के बाद अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 5 रहेगा, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, चैप्टर नंबर जो हमारा 5 रहेगा पाश्चात सौंदर्य दर्शन। भाई मेरे, पाश्चात सौंदर्य दर्शन का मतलब ये होता है, पाश्चात मतलब होता कि जो विदेशी लोग हैं, ठीक है, यानी जो यूरोप के लोग हैं, उन्होंने सौंदर्य के बारे में क्या कहा है, उनका सौंदर्य का दर्शन यानी उनकी सौंदर्य की जो फिलोसफी है वह क्या फिलोसफी है। अगर आप देखेंगे तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना 5.2 में, अगर आप देखेगा सौंदर्य शास्त्र की पाश्चात अवधारणा, देखो सौंदर्य को लेकर के भारतीय विचार है, भारत में भाई सौंदर्य को लेकर के अलग अलग बातें कही गई हैं, अलग अलग विचार हैं, उसी प्रकार से जो पाश्चात है यानी जो हमारे कह सकते हो कि विदेशी लोग हैं, यूरोप और अमेरिका और इंग्लैंड के जो लोग हैं, वो सौंदर्य के बारे में क्या कहते हैं, उसी को बोला जाता है सौंदर्य शास्त्र का पाश्चात अवधारणा, यानी उन लोगों का विचार क्या है। यूरोप के लोगों ने कह सकते हो कि किस प्रकार से सौंदर्य को कहा है, वही हो जाएगा पाश्चात अवधारणा। देखेगा हम लोग सौंदर्य की पाश्चात अवधारणा क्या है, या वहां के लोगों ने, वहां के विचारकों ने, वहां के विद्वानों ने, ठीक है, यूरोप के विद्वानों ने सौंदर्य को लेकर के अपने क्या क्या विचार दिए। तो देखिएगा 5.2 हमारा क्या रहेगा, सौंदर्य दर्शन की पाश्चात अवधारणा। देखिएगा सबसे पहले प्लेटो और अरस्तु का मत, देखो प्लेटो और अरस्तु जो है ना कह सकते हैं यूरोप के दोनों विद्वान हैं और इनको बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है। इन लोगों ने सौंदर्य को लेकर के क्या कहा, देखिएगा प्लेटो प्रत्यक्षवादी दार्शनिक थे। भैया जो प्लेटो है ये प्रत्यक्षवादी है, रियलिटी में विश्वास करता है, जिस होने के कारण से प्रत्यय विचार और प्रज्ञा की सौंदर्य की मानते हैं। देखो प्लेटो जो है, अगर प्लेटो की बात करूं तो वह शारीरिक मानसिक और नैतिक सौंदर्य को महत्व देता है। प्लेटो जो है एक विदेशी है, ठीक है, वो कहता कि भैया शारीरिक मानसिक और नैतिक सौंदर्य होता है, जैसे किसी का भैया शरीर सुंदर है, किसी का मानसिक यानी दिमागी रूप से या मानसिक रूप से सुंदर है, किसी की जो नैतिकता है, आचार व्यवहार है, उसको हम लोग सौंदर्य कह सकते हैं, उसको महत्व देता है। पर इसको वह क्षण क्षण अस्थाई मानता है, कहता कि जो शारीरिक सुंदरता है, जो मानसिक सुंदरता है और जो नैतिक सौंदर्य है, वो अस्थाई नहीं है, कुछ टाइम के लिए होता है। उन्हें प्रज्ञात्मक सौंदर्य का सबसे ऊंचा मानते हुए आत्म चेतना जो शिव का रूप है का प्रतीक ठहराया। यानी अगर आप देखोगे तो भैया जो प्लेटो है, प्लेटो कहता कि भैया शरीर सुंदर है, शारीरिक सुंदरता होती है, मानसिक सुंदरता होती है, नैतिक सुंदरता तो होती, लेकिन यह बहुत क्षणिक मात्र है, कुछ समय के लिए है, लेकिन सबसे बढ़िया जो सुंदरता है वह आत्म चेतना की सुंदरता है, यानी जिसका मन सुंदर है, जिसकी चेतना सुंदर है, जिसके विचार सुंदर है, वही सौंदर्य है। आत्म चेतना का जगत सौंदर्य वो से कहीं ऊपर है, विकारों से मुक्त है, आनंद से भरपूर है, यानी जो आत्म चेतना है उसकी जो सौंदर्य बोध है, उसकी जो सुंदरता सबसे ऊपर है, उसमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं है, और सबसे ज्यादा क्या करता है, वह आनंद देता है। यानी जो आत्म चेतना का सौंदर्य है वो सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट है, यानी शारीरिक कहने आत्मा की जो चेतना है वही सौंदर्य है। ठीक है, अब उन्होंने खुद कहा है कि सौंदर्यवान वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और समाप्त हो जाती हैं, या सौंदर्य ना तो आरंभ होता है ना तो समाप्त होता। कहता कि भैया जिन चीजों को हम लोग सुंदर कहते हैं, वो चीज सुंदर चीज भैया होती है और कुछ दिन के बाद भाई मेरे समाप्त हो जाती है, लेकिन जो आत्म चेतना का सौंदर्य है ना तो यह कभी शुरू होता है और ना यह तो कभी समाप्त होता है, यानी यह लगातार बना रहता है। सुंदर वही है जो हमारी आत्म चेतना है, आत्म चेतना को ही कह रहे हो कि यहाँ पर कह सकते विदेशी जो दार्शनिक प्लेटो कहता है आत्म चेतना ही सबसे बढ़िया सुंदर है। वह सौंदर्य को एक आध्यात्मिक सत्ता मानते हुए आत्मवादी सौंदर्य का सूत्र पार करते हुए कहता है कि जिसका विकास हमने प्लेटोनिस एंस्टीन और मसीह आदि के विचारों में देखते हैं। यानी अगर आप देखोगे तो जो प्लेटो है, प्लेटो कहता भैया जो आध्यात्मिक अध्यात्म है उसकी सत्ता सबसे ज्यादा सुंदर है, यानी हमारा जो आत्म चेतना है वही सबसे बढ़िया क्या है, सुंदर है। प्लेटो ने कहा है
और उसके जो शिष्य हैं अरस्तु, अरस्तु भी कह सकते हैं आध्यात्मिकता को ही सबसे बढ़िया सुंदर कहता है, अध्यात्म के दायरे से हटा करके कला को जोड़ता है। देखो भाई मेरे, प्लेटो कहता था कि भाई मेरे अध्यात्म सबसे बढ़िया सुंदर है, आत्म चेतना सबसे बढ़िया सुंदर है, लेकिन जो प्लेटो का शिष्य है, प्लेटो का शिष्य कौन है? अरस्तु। प्लेटो का शिष्य कौन है भैया मेरे? अरस्तु है। अरस्तु कहता है कि अध्यात्म सुंदर नहीं है बल्कि कला सुंदर है, कलाओं को सुंदर कहता है। कौन कहता है? एक विदेशी दार्शनिक है जिसका नाम अरस्तु है। अरस्तु कहता है कि कलाओं को जोड़ता है, सुंदरता में, सौंदर्य में कलाओं को जोड़ा है। उन्होंने प्लेटो का विरोध करते हुए कहा कोई वस्तु सुंदर है इसलिए नहीं है कि उसका चरम सौंदर्य का अंश है, परंतु वह खुद श्रेय है, सुंदर है। यानी अगर आप देखेंगे जो प्लेट अरस्तु है वह भाई मेरे कलाओं को सुंदर मानता है, ठीक है, कलाओं को, जैसे संगीत कला है, नृत्य कला है, ठीक है, गायन कला है, यानी वो कलाओं को सुंदर मानता है। और अरस्तु कहता कोई चीज जो सुंदर है वह अपने आप में ही सुंदर है, अरस्तु को सौंदर्य चिंतन कला और साहित्य से आगे नहीं बढ़ पाए। यानी जो अरस्तु है वह कलाओं को सुंदर मानता है और जो हमारा साहित्य है, कविता कहानी जो लिटरेचर होता है, उसको वह सुंदर मानता है। यानी ब्यूटी क्या है? ब्यूटी आर्ट है। और दूसरा कह सकते हो कि भाई ब्यूटी के बारे में वो कहता कि ब्यूटी क्या है, एक प्रकार से जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, कविता कहानी है, इसको सुंदर कहता। कौन कहता इसको? भैया अरस्तु कहता है। अगला देखिएगा, मध्यकालीन पाश्चात्य दर्शन। यानी मध्यकाल में कह सकते हो कि जो यूरोप के विद्वान हैं उन लोगों ने सौंदर्य को लेकर के क्या कहा, मध्यकालीन। देखो आइंस्टीन सौंदर्य को ईश्वरवादी सत्ता के रूप में देखता, आइंस्टीन का आप सबने नाम सुना होगा। तो आइंस्टीन कहता है कि जो ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता भैया सबसे ज्यादा सुंदर है। यानी ईश्वर के सौंदर्य को सबसे बढ़िया सुंदर कौन मानता है? आइंस्टीन मानता है। उसका मानना कि ब्रह्मांड के सारे पदार्थ एक क्रम में रहते हैं या ईश्वर के कारण संभव हो पाया है, उसके अनुसार ब्रह्मांड क्रम में बढ़ता है क्योंकि ईश्वर क्रम को प्रेम करता है और उससे श्रेष्ठ भी है। यानी आइंस्टीन जो है, संत आइंस्टीन जो है, वो कहता है कि भैया जो ईश्वर है वही सबसे ज्यादा सुंदर है और ईश्वर की जो सत्ता है वही सबसे ज्यादा सुंदर है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को जो है भैया परमात्मा, ईश्वर भगवान या जो अल्लाह है वही चलाता है। यानी ईश्वर ही संसार को, यानी ब्रह्मांड को चलाता है और वह कह सकते हो कि ब्रह्मांड से प्रेम करता है ईश्वर, इसलिए ईश्वर जो है सबसे बढ़िया है, सुंदर है। यानी ईश्वरीय सत्ता को आइंस्टीन कहता कि भैया ईश्वर की जो सत्ता है, यानी गॉड जो पावर है, उसको ही कह सकते हैं सबसे बढ़िया सुंदर कौन बताता है? आइंस्टीन कहता है। ब्रह्मांड ईश्वर का सृजन होने के कारण उसका सौंदर्य ईश्वरवादी सौंदर्य का आभास है। वह सौंदर्य के लिए एक क्रम, सुसंगति के साथ साथ रंगों की मधुरिमा को आवश्यक मानता है और इसकी बात करते हुए एक आध्यात्मिक रहस्यवादी बाना पहना देता है। देखो अगर मैं आइंस्टीन की बात करूं तो आइंस्टीन जो है वह भैया ईश्वर की सत्ता को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है और कहता कि ईश्वरीय जो सौंदर्य है वही सबसे सुंदर है। यानी ईश्वर का जो सुंदरता है वही सबसे ज्यादा सुंदर है। ईश्वरीय जो सत्ता है, जो गॉड है, जो भगवान है, जो परमात्मा है, वही सबसे ज्यादा सुंदर है। इस बात को कह सकते हो आइंस्टीन जैसे विद्वानों ने कहा है, ठीक है। एक्स वीना जो आइंस्टीन के 9 शताब्दियों बाद आए थे, उन्होंने आइंस्टीन को कुछ बातें पर सहमति की, फिर भी वो सौंदर्यता को बारे में कहता। उन्होंने सौंदर्य की विशेषता के रूप में पूर्णता, सामंजस्य, दीप्ति को स्थान दिया है। सारी वस्तुएं सुंदर तभी होती हैं जब उसमें सर्वोत्तम हो, शुभ हो और ईश्वर समान हो। देखो एक और विचारक है, विदेशी विद्वान है भैया, वो कहता है कि कोई भी चीज तभी सुंदर है जब वह सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी है, उसमें भगवान है और वह शुभ है, उसी को कहता सौंदर्य है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण देन यह कि वह आनंद को सौंदर्य के साथ जोड़ता है। यानी अगर एक विदेशी विद्वान है वह कहता है कि जो आनंद है, हर्ष है, उल्लास है,
उसी को ही कह सकते कि वो सबसे ज्यादा क्या मानता, उसी को सुंदर मानता है। ठीक है, एक्स एक्स विंसन, एक्स विंसन विनाश विंसन जो है वह कह सकते हो कि आनंद को ही सबसे ज्यादा सुंदर माना है। उसके अनुसार सुंदर वस्तु वही है जिसकी अवधारणा आनंद पूर्वक की जाए। भैया जो चीज आनंद देती हो, जो वस्तु सबको आनंद देती हो, सबको खुशी देती हो, वही सौंदर्य है। यानी जो चीज हमको यानी अच्छी अनुभूति कराए, अच्छा फील कराए, वही सौंदर्य है। अब देखिएगा आधुनिक पाश्चात्य सौंदर्य यानी आधुनिक जो विचारक हैं, आज के विचारकों ने जो विदेशी विद्वान है, पाश्चात्य विद्वान है, उन्होंने सौंदर्य को लेकर के अपनी क्या बातें कही हैं और अपनी उन्होंने क्या बातें बताई हैं। आधुनिक पाश्चात्य सौंदर्य को लेकर के क्या कहा गया देखिएगा, आधुनिक पाश्चात्य जगत में सौंदर्य की दार्शनिक व्याख्या करने वाले कांट और हीगल हैं। भाई यानी अगर आप देखोगे आधुनिक पाश्चात्य सौंदर्य को लेकर के इमैनुअल कांट और हीगल ने बताया है। कांट सौंदर्य को आत्मगत सत्ता में मानता है और इंद्रियों को भी इंद्रियों से भी ऊंचा भाव बोध की अव्यंजना मानते हैं। वह सौंदर्य को सुखवादी उपयोगितावादी घेरे से बाहर निकालते हुए सौंदर्य की स्थिति को मानते हैं। यानी जो अगर आप देखो कांट जो है वो आनंददायक को मानता है। आनंद का मतलब पार्थो आनंद से है, जिसका उद्देश्य आनंद है। यानी अगर आप देखो जो चीजें आपको सुख देती हैं, जो चीजें आपको इंद्रियों से ऊपर ले जाती हैं, जैसे हमारी पांच इंद्रियां हैं, आंख कान नाक जीभ गला त्वचा, ठीक है, जीभ त्वचा, ठीक है। तो भैया जो चीज आपको अपनी इंद्रियों से ऊंचा उठाती है, ऊंचा ले जाती हैं, वही आनंद देती हैं और यही सुंदर है। इस बात को कौन कहता है, कांट कहता है। उन्होंने कहा है कि सौंदर्य प्रदाता आनंद का कोई लक्ष्य पार्थिव आवश्यकता नहीं है। उसके विचारों में अगर सौंदर्य का लक्ष्य आनंद प्रदान करना है तो वह सबके लिए, यानी अगर आप देखो कांट कहता कि जो आनंद है वह सबके लिए आनंद है। यानी इमैनुअल कांट जो है वह कह सकते भैया सौंदर्य को यानी आनंद को ही सबसे ज्यादा सुंदर मानते। किसको सुंदर सबसे ज्यादा मानता है, आनंद को ही सबसे ज्यादा सुंदर मानते हैं। कौन मानता, कांट। उसके अनुसार सौंदर्य में तर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। भैया तर्क नहीं, कांट को सौंदर्य उपयोगितावादी इंद्रबोध से मुक्त होकर के बताता है। यानी कहते भैया जो व्यक्ति उपयोगितावाद से और इंद्रियों से मुक्त हो चुका है वही सुंदर है, वही सौंदर्य है। हीगल, हीगल एक दार्शनिक है, हीगल का बड़ा नाम है, विदेशी दार्शनिक है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, राम याद रखना भाई, कांट के बाद अगला नाम है हीगल। हीगल कह सकते हीगल जो है ना, इसने दार्शनिक व्याख्या करने में कांट से भी आगे की है। उसका सौंदर्य चिंतन सर्वोच्च चेतना है। यानी जो हीगल है वह चेतना को सबसे ज्यादा सुंदर मानता। क्यों भैया, हीगल जो है वह हमारी जो चेतना है, चिंतन की जो चेतना है, उसको ही क्या मानता है, सौंदर्य मानता है। यह सर्वोच्च चेतना दर्शन के शिव रूप के बहुत निकट पड़ती है। उन्होंने मनुष्य की चेतना को सौंदर्य को श्रेष्ठ कहा। यानी मनुष्य की जो चेतना है वही सबसे श्रेष्ठ है और वही सबसे सुंदर है। इस बात को कौन कहता है, हीगल कहता है। हीगल कहता है कि जो मनुष्य की जो चेतना है वही सबसे श्रेष्ठ है, यानी वही सबसे बढ़िया, वही सबसे अच्छी है और वही चीज जो है सबसे सुंदर है। इस सौंदर्य को लेकर के कौन बात कहता है, हीगल कहता है। हीगल जैसे विचारकों ने कहा है भाई मेरे कि जो हमारे आत्मिक चेतना है, हमारी जो आंतरिक चेतना है, वो बाह्य और प्राकृतिक सौंदर्य को आत्मगत सौंदर्य की छाप मानते हुए कहता है कि वह इस चेतना को किसी भी बाह्य प्रभाव से मुक्त और स्वतंत्र मानते हैं। वह सौंदर्य को आरोप प्रकृति पर करते हुए कहता है कि प्राकृतिक सौंदर्य ज्यादा महत्व न देते हुए कलात्मक सौंदर्य को महत्व देता। देखो हीगल कहता भैया प्रकृति की सुंदरता को नहीं, हीगल जो है वह प्रकृति की सुंदरता को नहीं बल्कि कलाओं की सुंदरता को मानता। किसकी सुंदरता को मानता है, जो कलाओं की सुंदरता है उसको सबसे ज्यादा महत्व देता। कौन देता है, हीगल देता है। यानी कला जो होती है उन कलाओं को ही कह सकते उसने सबसे ज्यादा महत्व दिया है। किसने दिया है, हीगल ने। हीगल प्रकृति को सुंदर नहीं मानता है, वह जो कला है जैसे डांस कला है, नृत्य कला है,
संगीत कला है, गायन कला है, इन कलाओं को ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानता है और आत्मा को ही सबसे ज्यादा सुंदर मानता है। हीगल आत्मा को सबसे ज्यादा सुंदर मानता है, चेतना को सबसे ज्यादा सुंदर मानता है, और जो हमारी कलाएं हैं कलात्मक को, सौंदर्य प्रकृति को नहीं, बल्कि वह मानव आत्मा के सौंदर्य को श्रेष्ठ मानता। मानव की जो आत्मा भैया वह सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा बढ़िया है, और कलाओं को ही सबसे ज्यादा सुंदर यानी सौंदर्य कौन मानता है? हीगल मानता है। तो जो विदेशी विद्वान हैं उन लोगों ने सौंदर्य को लेकर के अपने क्या क्या विचार दिए हैं, यही आपके पांचवा चैप्टर में था। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जरूर, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के को लेकर के अलग अलग क्या क्या विचार दिए हैं, यानी पाश्चात्य यानी विदेशी विद्वान कौन कौन से हैं जिन्होंने सौंदर्य शास्त्र को लेकर के, सौंदर्य को लेकर के अपने अपने विचार दिए हैं। उसमें प्लेटो है, अरस्तु है, ठीक है, आइंस्टीन है, हीगल है, इमैनुअल कांट है, ये सारे विदेशी विद्वान है, जो विदेशी लोग हैं, पाश्चात्य यानी विदेशी होता है, उन लोगों ने सौंदर्य को लेकर के यानी सुंदरता को लेकर के अपने विचार दिए हैं, अपने मत दिए हैं। इसी के साथ हमारा जो पांचवा चैप्टर है वह भी समाप्त हो गया है। अब हम लोग अपना छठा चैप्टर भी चलिए पढ़ लेते हैं। उससे पहले मैं आप सबको एक बात जरूर बता देता हूँ, आपको इस सब्जेक्ट की जो क्लास है, आपको ये जो चैनल आपको दिख रहा होगा, इस चैनल पर आपको क्लास लगातार मिलती रहेगी। पांच चैप्टर करा दिए हैं, अभी मैं आपको छठा भी चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं ब्लॉक वाइज ना, इसके पहले ब्लॉक में छह चैप्टर हैं और छह के छह चैप्टर मैं आपको एक ही क्लास में पढ़ा रहा हूँ। इसकी आपको दूसरी और तीसरी दो तीन क्लास में पढ़ाऊंगा, और दो तीन क्लास में ही कह सकते हो कि मैं पूरी किताब पूरी करवा दूंगा, और यहीं पर आकर के आप लोग इसका वीडियो जरूर देख पाएंगे। जब आप इस चैनल पर आओगे ना, तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में जाकर के BSKG 171, 172, BSKG वाला अगर आपका पेपर है, 171 भी हो, 2 भी हो, आप आकर के यहाँ पर देख सकते हो। BSKG 178 भी मिल जाएगा, 6 भी मिल जाएगा, लेकिन आपकी अभी BSKG 171 है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र है, इसकी कम से कम 3-4 क्लास करवाऊंगा, और प्लेलिस्ट में आकर के आप लोग इसको देख लेना। अब चलिए हम लोग अपना छठा चैप्टर देख लेते हैं, जो छठा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक। पांचवें चैप्टर के बाद देखिए छठा चैप्टर भी हमारा आ गया, देखिएगा चैप्टर नंबर 6 हमारा रहेगा सौंदर्य शास्त्री रूपरेखा, ठीक है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी ये पूछेगा, सौंदर्य शास्त्री रूपरेखा बताइए, यह एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है, सौंदर्य शास्त्र की उत्पत्ति, अर्थ और परिभाषा, ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बन सकते हैं। जितने भी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोग बिल्कुल ध्यान से अगर सुनोगे ना, तो मैं जरूर कह सकता हूँ एग्जाम आराम से आपका निकल जाएगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन भी आपके आने वाले हैं। सौंदर्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका अर्थ एवं परिभाषा बताइए, क्योंकि पेपर भी आपका भैया 100 नंबर का होने वाला है, 35 नंबर के लिए आप पासिंग रहेगा, और एग्जाम आपका ये 3 घंटे का ही होगा। कितने घंटे का एग्जाम होगा? 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो देखिएगा सौंदर्य शास्त्र की उत्पत्ति, अर्थ एवं परिभाषा, और अगला हमारा है सौंदर्य शास्त्र की रूपरेखा। तो चलिए हम इसी दो पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, छठा चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा 6.2 में देखिए क्या है, सौंदर्य शास्त्र की उत्पत्ति, अर्थ एवं परिभाषा। देखिएगा सौंदर्य जो है, सौंदर्य की अगर मैं बात करूं, तो एक ये अगर खास तौर से सौंदर्य जो शास्त्र है, एसोथेटिक शब्द का पर्यायवाची मिलकर के बना है, और यह यूनानी भाषा के शब्द से लिया गया है। अगर आप देखेंगी कि जो ये है यूनानी भाषा के शब्द से बना है, और सौंदर्य शास्त्र का मतलब होता है इंद्रिय सुख की चेतना, यानी हम लोगों को जो इंद्रियां हैं उनको जो अच्छा लगता है वही सौंदर्य है, ठीक है। अगर आप देखें हिंदी भाषा में इसे सौंदर्य शास्त्र कहा जाता है, नंदन शास्त्र के रूप में जाना जाता है, यानी सौंदर्य को कह सकते भैया नंदन शास्त्र के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें, इंद्री बोध से प्राप्त सौंदर्य अनुभूति आध्यात्मिक आनंद का विश्लेषण करता है, यानी जो सौंदर्य क्या है, यानी आपकी इंद्रियों को जो अच्छा लगे, यानी जो हमारी आंखों को अच्छा लगता है, जो हमारे कान को अच्छा लगता है, जो हमारे सुनने में अच्छा लगता है, जो हमारी जीभ को अच्छा लगता है, या हमें कुछ अच्छा फील होता है, वही सौंदर्य है ना भाई। आपकी जो इंद्रियां हैं, देखो पांच हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, गला है, और जीभ है, और आपकी त्वचा है, ये पांच ही चीजें हैं, आंख कान नाक गला, आंख कान नाक जीभ त्वचा,
ठीक है, आंख कान नाक जीभ त्वचा, ये पांच आपकी इंद्रियां होती हैं। और इन पांच इंद्रियों को जो अच्छा लगता है, जो आनंद देता है, वही भाई मेरे क्या होता है, सौंदर्य है। यानी आपको आंखों से, आपने आंख से कुछ देखा सुंदर लगा, आनंद प्राप्त हुआ, सौंदर्य है। आपने कुछ सुना, आपके आपके कानों ने कुछ सुना, भाई अच्छा गाना सुना, अच्छा म्यूजिक सुना, आपको अच्छा लगा, तो सौंदर्य है उसमें, ठीक है। आपने कुछ खाया, भाई जीभ है ना, मैं जीभ बता ना, आपने कुछ खाया, आपने कुछ टेस्ट किया, आपको अच्छा लगा, सुंदर, यानी आप उसने आपको आनंद दिया, तो क्या है, वो सौंदर्य है, ठीक है। या मान लीजिए कि आप, आपने आपकी त्वचा जो है, ठीक है, आप आपको हाथ से भाई कुछ ठंडा गर्म जो फील होता है वो भी अच्छा लगता है, तो क्या है, वह भी हमारा क्या होता है, सौंदर्य है। क्या है, वह भी हमारा सौंदर्य है। और सौंदर्य एक प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति को बताता है, ठीक है, किसकी बताता है, आध्यात्मिक। प्रारंभ में सौंदर्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र का देखो, शुरू में पहले जो होता भैया, जो सौंदर्य शास्त्र था वो फिलोसफी में आता था। किस में आता था जी, फिलोसफी का एक चैप्टर हुआ करता था। लेकिन बाद में जो सौंदर्य शास्त्र है एक अलग विषय बना। इसके तत्व दर्शन और आचार शास्त्र तथा मनोविज्ञान से प्रभावित, यानी जो सौंदर्य शास्त्र है फिलोसफी से और मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी से निकले हुए हैं और इसका विकास हुआ है। सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत हम लोग चक्षु यानी जो हमको दिखाई देता है और जो हमको सुनाई देता है, यानी जो हमको सुनाई देता है, जो हमको दिखाई देता है, इन्हीं दो इंद्रियों को जो सत्य लगता है वही सौंदर्य। भैया तुमने कुछ देखा, तुम्हें सुंदर लगा, अच्छा लगा, अच्छा लग रहा, तो भैया सुंदर है। तुमने कुछ सुना, तुमको अच्छा फील हुआ, अच्छा लगा, तुम्हारे मन को अच्छा लगा, तो सौंदर्य है। इसके अंतर्गत सौंदर्य शास्त्र तीन प्रकार के विचार हैं, यानी सौंदर्य शास्त्र तीन प्रकार का है, इंद्रिय सौंदर्य, विधान सौंदर्य, अभिव्यक्ति सौंदर्य। यानी आपकी जो इंद्रियां हैं भैया, इंद्रियां क्या, जैसे मान लो आपकी आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, इनको आपको जो अच्छा लग रहा, अच्छा जो फील हो रहा, वही भाई सौंदर्य है ना। दूसरा विधानगत, विधानगत मतलब होता कि जो न्याय कानून है, कुछ नियम कानून जो है, वो भी तो सौंदर्य, उसमें भी सुंदरता होती है। विधान भैया बोलते विधि का, यानी ईश्वरीय जो चीजें हैं वो भी तो सुंदर है ना भैया। परमात्मा जैसे बोला गया ना, शिव ही सुंदर है और सत्य सुंदर है, क्या बोला गया है, शिव ही सुंदर है और सत्य सुंदर है। उस प्रकार से जो विधानगत चीजें होती हैं उनमें भी क्या, अगर आप देखेंगे उनमें भी क्या है, सुंदरता है। क्या है जी, उनमें भी हमको सुंदरता दे। व्यक्तिगत सुंदर, जैसे माने कोई आदमी सुंदर है, पर्सनली कोई सुंदर, जैसे कोई महिला बड़ी सुंदर है, कोई पुरुष सुंदर है, कोई लड़की बहुत सुंदर है, तो क्या है, इसको हम लोग व्यक्तिगत सौंदर्य है कि लोग यानी जो व्यक्ति सुंदर है भाई, व्यक्ति की किसी किसी का रूप और यौवन बहुत सुंदर है ना, किसी को भैया रूप, चेहरा, मोहरा, रंग, आकार क्या है, वह भी हम लोगों को क्या कई बार सुंदर लग जाता ना। तो भैया जो हमारी इंद्रियों को सुंदर लगता है, जो विधानगत है, परमात्मा भी तो सुंदर है, शिव सुंदर है और सत्य सुंदर है, विधानगत सौंदर्य है, ठीक है। और अभिव्यक्ति सौंदर्य है, यानी जो हमारे विचार हैं, जो हमारे आचार हैं, जो हमारा लोगों के साथ रिलेशन है, संबंध है, ठीक है, जो हमारे यानी आत्मिक चेतना है, वह भी तो सुंदर है। ये तीन प्रकार का क्या होता है, सौंदर्य होता है। कितने प्रकार का सौंदर्य जी, तीन प्रकार का है सौंदर्य है। चलिएगा लोग, अगला हम लोग देख लेते, जो एग्जाम में पूछेगा सौंदर्य शास्त्र की रूपरेखा क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट देखेगा। सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत विचारणीय इंद्रियां, इंद्रियान बोध, प्रत्यक्ष और प्राय चक्षु और श्रवण की प्रमुखता है। देखो भैया, सुंदरता की अगर हम सौंदर्य की बात करें तो जो चीजें हमको देखने से सुंदर लगती है, चक्षु यानी देख जो अन्यत्र हैं, और श्रवण यानी सुनने से, जो चीजें हमको देखने से अच्छी लगती हैं और सुनने से अच्छी लगती हैं, यही सौंदर्य शास्त्र की रूपरेखा है। रूपरेखा में क्या भैया, आपने आंखों से देखा और वो चीज आपको क्या लगी, सुंदर लगी, तो क्या है, उसमें सौंदर्य है। और आपने कुछ सुना, वो चीज आपको अच्छी लगी, उसमें क्या है, उसमें भी क्या है, सुंदरता है, उसमें भी क्या हो जाएगा आपका सौंदर्य। जैसे मैंने आपको क्या बताया भैया, जो हमको देखने से सुंदर लगता है और सुनने से सुंदर लगता है प्रत्यक्ष रूप से, इसमें सुंदरता है। दूसरी बात यह कि सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत तीन प्रकार के सौंदर्य पर विचार है, यानी तीन प्रकार की सौंदर्य है। जैसे अभी हमने बताया था,
इंद्रिया सौंदर्य है, विधानगत सौंदर्य है और अभिव्यंजित सौंदर्य है, ठीक है, अभिव्यक्ति सौंदर्य है। सौंदर्य शेष प्रकार के अंतर्गत विवेचित होते रहते हैं, किंतु प्रधानता उन तीन प्रकार के सौंदर्य को मिलती है, यानी तीन प्रकार के जो सौंदर्य है उसी की बात की जाती है। यहां तक धारणा समीचीन मालूम पड़ती है। प्रथम अर्थ विकास के अनुसार एथोटिक्स वह शास्त्र है जिसका संबंध कला और प्रकृति से है, यानी भैया कला में सुंदरता है और प्रकृति में सुंदरता है, सुंदरता और उदता से कहा जाता है कि इसी एथोटिक्स शब्द का प्रचार जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड में हुआ है। इसी अर्थरोहण के पश्चात एथेटिक्स का विषय सौंदर्य मूर्ति के क्षेत्र बन गया है, किंतु इसके बाद भी एथेटिक्स का उचित अर्थ निर्धारण या वैसोदेश कह सकते पूर्ण रूप में नहीं हो सका है। पाश्चात्य देशों के समान ही पूर्वी देशों में सौंदर्य शास्त्रीय चिंतन परंपरा, देखो जैसे जैसे यूरोप के देश हैं, उसी प्रकार से जो पूरब के देश हैं उनके देशों में भी सौंदर्य को लेकर के बहुत चर्चा हुई है भाई मेरे, बहुत बात हुई है। भारतीय यानी पाश्चात्य कला चिंतन जो है वह सौंदर्य के केंद्र में है, यानी विदेशों में देखोगे वहां पर कलाओं को ही सुंदर माना गया है ना। जापान जो है वह कलाकृति को सौंदर्य मानता है, जो कला जो आर्ट है, ठीक है, जैसे गाना है, नाच है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, इनको यानी कलाओं को सुंदर मानता है। कौन मानता है? जापान। चीन जो है वह कला चिंतन को सुंदर मानता है। भैया चीन क्या है? बौद्धिक सिद्धांत के द्वारा कला को मानता है, यानी चीन के लोग जो है वह बौद्धिक सिद्धांत के अनुसार कला चिंतन की अवधारणा को मानते हैं। किसको मानते हैं जी? कला चिंतन को। क्या मानते हैं? कला चिंतन को क्या ही सबसे ज्यादा सुंदर मानते हैं। भारत में कला चिंतन और सौंदर्य शास्त्र की विशिष्ट अन्वेक्षण रस सिद्धांत द्वारा किया गया। भारतीय कला दर्शन के अनुसार चेतना अचेतना और चेतना मन से सृजन से आरंभ होता है, इसलिए कला की सृष्टि में व्यष्टि ही नहीं समिष्टि है। यानी क्या, भारत में जो अगर आप देखेंगे तो हमारी जो चेतना है उसको सुंदर कहा गया है, यही कला की सार्वभौमिकता है। कला एक ही न रह करके सर्वमय है, सर्वकलिक है और अमर हो जाती है। कला में जड़ कुछ नहीं होता क्योंकि इसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। भारतीय धर्म ऋषियों ने देखा है कि आत्मा से बढ़कर के आत्मा के अतिरिक्त विश्व में कुछ भी, यानी भारत में अगर आप देखोगे तो भैया आत्मा को ही सबसे ज्यादा सुंदर माना गया है। किसको? भारत में अगर आप देखोगे तो आत्मा को ही क्या माना गया है? सबसे ज्यादा सुंदर माना गया है, ठीक है, यानी जो प्रिय है वह सुंदर है, आनंद रस है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि प्रेम से अधिक सुंदर यहाँ कुछ भी नहीं। भैया हमारे यहाँ पर जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं वो कहते हैं कि जो प्रेम है उससे ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं, यानी वो कहते हैं भैया प्रेम जो है वह सबसे ज्यादा सुंदर है, ठीक है, प्रेम को ही सबसे ज्यादा सुंदर कहा है। कला में आत्म चैतन्य अपने पन की प्रतिछाया मिलती है, अचेतन स्थूल माध्यम में चेतना के चमत्कार दर्शना यही कला की कृतित्व है। इस प्रकार सुंदर की अनुभूति में आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। जिस रूप में प्रियतम आत्म चेतना का विलास नहीं अर्थहीन है, जब अर्थ ही नहीं है तो उसमें सत्य भी नहीं है, यानी अगर आप देखेंगे तो भोग विलास को नहीं बल्कि कह सकते हो भैया कि जो सुंदर है प्रेम को सुंदर माना गया, और भारत में चेतना को, जड़ को नहीं, यानी जो चेतना है जिसमें जान है, जिसमें आत्मा है, ठीक है, उसको कह सकते हो सुंदर माना गया है। इसलिए भारत में कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। क्या बोला गया है कि भैया भगवान भारत में सत्य को सुंदर माना गया है, शिव को सुंदर माना गया है, और जो हमारी कलाएं हैं उन कलाओं को भी सुंदर माना गया है। भारतीय कला दर्शन सौंदर्य दृष्टि की मूल तत्व में सत्यम शिवम सुंदरम है, यानी भारत में सत्य को सुंदर माना गया है, यानी जो सत्य है, ठीक है, सुंदर वही है जो हमेशा बना रहता है, जो चीज जिस चीज में हमेशा परिवर्तन आता है। जैसे मान लो कोई लड़की भैया आज सुंदर है, कल बुढ़िया हो जाएगी, तो उसमें क्या सुंदरता है? तो जो सत्य है सत्य को सुंदर माना गया है, और भगवान शिव
भाई भगवान को भी तो सुंदर माना गया है, एक तो सत्य सुंदर है और दूसरा शिव सुंदर है ना, क्या है, दो ही लोग कह सकते हैं उनको हम लोग क्या मानते हैं, सुंदर मानते हैं, ठीक है। यानी इन दोनों चीजों में ही क्या है, हमें सुंदरता कह रहा, वेदों में रस और आनंद, रूप और तथा रंग और संगीत यानी पद्य को सुंदर कहा गया। अगर आप देखो हमारे जो वेद हैं उसमें रस को, आनंद को, रूप को, रंग को यानी संगीत को और जो पद्य होते हैं इनको सुंदर कहा गया है, ठीक है। अंत में सचित आनंद यानी अर्थात वह सब कुछ जिससे कला का निर्माण होता है, अगर आप देखें भैया वह सारी चीजें जिससे कला का निर्माण होता है उसको सुंदर कहा गया। वेद की कला दृष्टि में रूप कला का सार है, रूप में लय विधान है, उसका सर्वस्व है। वेद में अर्थ शून्य कुछ भी नहीं है, कला अपने कौशल से अचेतन में भी चेतना का चमत्कार कर देती है, चैतन्य का यह चमत्कार ही अर्थ है। भरत मुनि ने अपने कला चिंतन में इसी अर्थ को ही नहीं स्वीकार किया बल्कि कहा काव्यार्थ वह होता है जो हृदय संवादी प्रिय सुंदर हो। यानी अगर आप देखो हमारे वेदों में भैया कह सकते हो कलाओं को सुंदर कहा गया है, दूसरा किसको, काव्य है जो कविता है जो कहानी है उनको भी क्या कहा गया है, सुंदर कहा गया। समय संसार का एकमात्र सत्य है, सबको पता नहीं भाई जो समय है वह बिल्कुल क्या है, सत्य है, ठीक है, एकमात्र सत्य है। और समय हमेशा गतिमान यानी चलता रहता है, समय की जो चलता रहता है उसका टाइम भी बदलता रहता है और हमारा जो वातावरण है बदलता है, जिससे हम लोगों में बदलाव था ना, मनुष्य में बदलाव था ना, उसके सौंदर्य में चेतना है। यानी जो संसार है जो समय है वह लगातार बदलता रहता है, उसमें भी क्या है, सौंदर्य है यानी चेतना भी सौंदर्य है। वैदिक काल में मनुष्य की सौंदर्य चेतना और रामायण काल में सौंदर्य चेतना बहुत अलग है। देखो भाई वैदिक काल में कह सकते हो कि हमारी जो चेतना उसको सुंदर कहा गया है और रामायण के समय में कह सकते हो कि जब रामायण का टाइम है उस समय कह सकते हो कि भगवान राम ने जिस प्रकार से लोगों की समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान किया है, इस प्रकार से कह सकते हैं रामायण काल में अगर आप देखोगे राम को ही सुंदर कहा गया है। और जब महाभारत का काल आया, अगर आप देखें महाभारत का जो समय है, महाभारत काल में अगर आप लोग देखेंगे कि वहां पर महाभारत काल में कर्म और संघर्ष को ही सुंदर कहा गया है। महाभारत जो हमारा काल है उस समय जो कर्म है और जो यानी कर्म को और संघर्ष को, देखो अगर आप देखें महाभारत की गीता में श्री कृष्ण भगवान जो है वह उपदेश भी देते हैं ना कि भैया कर्म करो फल की इच्छा मत करो, यानी महाभारत काल में कर्म को ही सुंदर कहा गया है और संघर्ष को सुंदर कहा गया। जो लालच है इसको भैया कुछ नहीं माना गया है, संसार में दुख है, मोह है, माया है, हार है, पराजय है, ये सुंदर नहीं है बल्कि कर्म और संघर्ष ही क्या है, सुंदर है। भोग विलास और ऐश्वर्य का मांग करना ये सुंदर नहीं है, धन वन सुंदर नहीं है बल्कि व्यक्ति का जो कर्म है, व्यक्ति कर्म क्या करता है वो सुंदर है और भैया संघर्ष सुंदर है। महाभारत काल में कर्म को और संघर्ष को ही क्या कहा गया है, सुंदर कहा गया, बाकी किसी चीज को वहां पर सुंदर नहीं कहा गया है। इस प्रकार भारतीय कला चिंतन में मन का सात्विक भावना पर बल दिया गया है। यानी अगर आपका मन सुंदर है, यानी अगर आपका मन आत्मा अंतर मन सुंदर है वही सौंदर्य है। यानी सत्य सुंदर है और शिव सुंदर है, क्या भैया, सत्य सुंदर है और शिव सुंदर है, कहने का मतलब क्या है, अगर आप देखेंगे भारतीय जो विचारक हैं उन्होंने सौंदर्य शास्त्र को काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, साहित्य शास्त्र माना है, किंतु काव्य शास्त्र का अध्ययन काव्य तक सीमित नहीं है, सौंदर्य शास्त्र कलाओं का शास्त्र है। यानी अगर भारत में भी कलाओं को भी सुंदर कहा, जैसे मूर्ति कला है, चित्रकला है, संगीत कला है, डांस यानी नृत्य कला है, इनको भी सौंदर्य शास्त्र माना गया है, इनमें भी क्या है, सुंदरता है, इसमें भी क्या है, सौंदर्य का बोध है। और हमारे जो काव्य हैं, जो कविताएं हैं, उन कविताओं में भी क्या होता है, उसमें भी अलंकार होता है, छंद होते हैं, मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं, और काव्य को भी क्या बोला गया है, सुंदर बोला गया, कि जो कविता उविता तुम लोग सुनते हो, कहानी सुनते हो, तुम सबको अच्छा लगता ना, तो उनको भी कह सकते हो सुंदर कहा गया है। डॉक्टर विमल कुमार वर्मा कहते हैं कि जो काव्य शास्त्र है वह सुंदर है। भारत में काव्य को, कलाओं को और शिव को, सत्य को,
इन सारी चीजों कह सकते हैं हमारे यहाँ पर सुंदर कहा गया है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो छठा चैप्टर है इसी के साथ समाप्त हो गया। और इस वीडियो में मैंने आप सभी को पहला चैप्टर से लेकर के छठे चैप्टर तक मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, और एक से लेकर के छह चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, और मैं जरूर कह सकता हूँ कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में इन 6 चैप्टर से जरूर देखने को मिलेगा। और ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और आगे भी मैं आपको क्लास जरूर पढ़ाऊंगा। चैनल पर अगर आप लोग आए हैं तो वहां पर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आगे की क्लास भी बहुत जल्द आने वाली है और ये आपको मिलने वाली है। आप लोग जाकर के चेक कीजिए, वहां पर मैंने सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और ये आपका एग्जाम टाइम जो चल रहा है इसकी फटाफट आप लोग तैयारी कर लीजिए, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो चीजें मैं समझा रहा हूँ फिर अब आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके में 4 ब्लॉक हैं और मैं ब्लॉक वाइज सारी किताब में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोग इस चैनल पर आओगे ना, इस चैनल पर आने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो जैसे होम है, वीडियो है, शॉर्ट्स है, लाइव है, प्लेलिस्ट है, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको इस BSKG 171 सौंदर्य शास्त्र जो है इसका आपका सारा वीडियो मिल जाएगा, मैंने सारा पढ़ा रखा, उसे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। आज ये 6 चैप्टर आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और आगे के जो बचे हुए चैप्टर हैं उनका भी क्लास आपको हमारे चैनल पर जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं, और अगली क्लास भी आपको मैं बहुत जल्द आपको अपलोड जरूर कर दूंगा। कोई यहाँ पर आकर प्लेलिस्ट में आकर के जरूर चेक कर लो, वहां पर चेक कीजिए, BSKG 171 आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन जरूर पूछ लेना। और ये आपको क्लास कैसे लगी है ये भी मुझे आप कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। और याद रखिएगा एग्जाम आपका वैसे बहुत अच्छा जाएगा, डरने वाली कोई बात नहीं। 100 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर है, ज्यादातर क्वेश्चन 20 नंबर में पूछेगा। अच्छे से हेडिंग बना करके अच्छे से बढ़िया से लिख देना, 3-4 पेज कर दीजिएगा, कोई समस्या नहीं, आपका एग्जाम पास हो जाएगा। और 100 में से 35 वाला पास है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी पूछना तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं उसका रिप्लाई भी आप सबको जरूर दे दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।